सुंदरकांड भाग 5। प्रविसनगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कोसलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताए, गोपद सिंधु अनल सितलाए। गरुड़ सुमेरु रेनु समताहि, राम कृपा करि चितव जाहि। अति लघु रूप धरउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरे भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महुन दीख बैदेहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसिका वृंद तह देखि हर्ष कपिराय। सियावर राम चंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए।